स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का लेसन ऑन द मूव अगेन रिवीजन पार्ट सेकंड. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हेन द धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव विलेज फॉर सिक्स मंथ्स, व्हाट हैपेंस इन द विलेज स्कूल. क्या मतलब है इसे? इसे मतलब है जब धानु और बाकी बच्चों ने गाँव छोड़ दिया 6 महीने के लिए, तो गाँव के स्कूल में क्या हुआ. व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर सिक्स मंथ्स, द विलेज लीव स्कूल गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ बिग फार्मर्स, बड़ी बड़ी फार्मर्स की फैमिली से बच्चे आके वहाँ पढ़ने, सिर्फ वही बच्चे पढ़ते थे. सेकेंड, वॉट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स वेन एवर वेन एवरी वन गोज़ फॉर वर्क. इन माई फैमिली एवरी वन नॉट गोज़ फॉर वर्क, माई मदर टेक्स केयर ऑफ ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स. यानी मेरे घर में हर कोई काम पर नहीं जाता है, जो मेरी माँ वो घर में ही रहती है, तो वो अब देखभाल करती है किन की, जो कोई बुज़ुर्ग होता है फैमिली में और कोई अनवेल कोई ठीक नहीं होता उसकी, ठीक है ना. अच्छा, क्वेश्चन, थिंक एंड टेल. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी. मामी क्यों चाहती थी धानु पूरे साल स्कूल जाए और वहाँ पे पढ़े. मामी वांटेड धानु टू स्टडी वेल एंड गेट ए गुड जॉब सो दैट ही कुड वर्क इंडिपेंडेंटली. मामी चाहती थी धानु को तो वो अच्छा पढ़े और उसको अच्छा जॉब मिले, गेट ए गुड जॉब सो दैट ही कुड वर्क इंडिपेंडेंट और वो अपना काम खुद करे. मामी विश धानु टू बिकम ए रिच पर्सन. मामू चाहती थी धानु बहुत अमीर आदमी बने एंड बहुत सारा पैसा कमाए एंड अर्न मनी एंड रेपुटेशन और बहुत अच्छी रेपुटेशन, बहुत अच्छी इज्जत कमाए किसमें, सोसाइटी में. मामी डिड नॉट वॉन्ट टू धानु टू सफ़र लाइक अदर. मामी ये नहीं चाहती थी कि जो धानु बाकी जैसे बाकी मेम्बर्स या फैमिली के जैसे उनको मुश्किल का सामना करता है वैसे वो ना करे. दस मामी विश धानु शुड गो टू, सो तभी वो चाहती थी धानु क्या जाए, स्कूल जाए. अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स वैन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्या होता है जब आप लोग स्कूल बहुत देर के लिए नहीं जा सकते हो. When I am unable to go to school for long time, I am unable to grasp the concept which were already taught. क्या मतलब है, अगर हम स्कूल बोर्ड देख के नहीं जाते, जो बच्चों ने वहाँ पढ़ लिया होता है हमें मुश्किल होता है उस चीज़ को समझना और उनके साथ वो उन जो कंसेप्ट उन्होंने क्लियर कर लिए होते हैं उनके साथ फिर आगे बढ़ना. अच्छा, फिर है डिस्कस एंड राइट. धानु हैज़ टू गो विद हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, ठीक है ना. कैन देयर बी सम अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम सो दैट धानु कंटिन्यू स्टडी, व्हाट काइंड. कहते हैं धानु को जाना पड़ता है, हैज़ टू गो टू विद हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, उसको अपने गांव के लोगों के साथ दूसरी जगह पे जाना पड़ा. कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग द टाइम सो दैट धानु कोई ऐसा अरेंजमेंट होता कि उस टाइम पे कि धानु अपनी स्टडीज़ वहीं पे कंटिन्यू करता, व्हाट काइंड, कैसा. यस, धानु कैन गेट एनरोल्ड इन ए स्कूल इन ए न्यू टाउन. धानु नए स्कूल में नई जगह नए स्कूल में जा सकता था. ही कैन लुक फॉर इवनिंग स्कूल, आजकल इवनिंग स्कूल में वो इवनिंग स्कूल में भी जा सकता था. डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स और वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स. लुक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक एंड राइट. कहता है कोई आपको ऐसे जॉब पता है जिसमें लोगों को बहुत देर तक घर से बाहर रहना पड़ता है काफ़ी महीनों के लिए. कुछ आप ये एग्जाम्पल अपनी बुक पे भी देख सकते हो. येस, ड्यू टू जॉब और वर्क पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिलीज. जॉब की वजह से, काम की वजह से लोगों को बहुत देर अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, इनकी काफ़ी ज़्यादा महीनों पर. देयर जॉब कौन सा जॉब है, ऐसा कौन सा काम है, जैसे इन मिलिट्री फोर्स, जॉब इन मिलिट्री फोर्स, स्टूडेंट्स हु स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, वो वाले बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, हु वर्क इन नेवी, वो बंदे जो नेवी में काम करते हैं, और वो लोग जो बिजनेस में होते हैं, ठीक है ना, उन्हें एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए तो उनको घर से भी दूर रहना पड़ता है काफ़ी देर के लिए. ओके, तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने किया ऑन द मूव अगेन रिवीजन पार्ट सेकंड, ठीक है. अब आपका क्या काम है, आप इसको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आप खुद लर्न भी करोगे और साथ में लिखोगे भी अच्छी तरह से. ओके.